सो दोस्तों, अगर आप भी अपने बेस्ट यूट्यूबर की तरह अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हो लाइक जुन्नू की टेक, अपनी हर एक वीडियो में जूम इन जूम आउट इफेक्ट का यूज करते हैं, बीके टेक्निकल भैया भी अपनी हर एक वीडियो में जूम इन जूम आउट इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी वीडियो प्रोफेशनल लगने लगती है। अगर आप भी अपनी वीडियो में जूम इन जूम आउट इफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको जूम इन जूम आउट इफेक्ट को यूज करने के लिए अपने फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री और विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपनी वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में आपके वीडियो का जो फालतू का पार्ट है उसको आपको कट कर देना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अपनी फालतू के पार्ट को कट कर दे रहा हूँ। कट करने के बाद आपको अपने वीडियो के टाइमलाइन को टच करना है, तो मैं यहाँ पे टच कर दे रहा हूँ और इसके बाद में कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको अपने वीडियो को टाइमलाइन पर वहाँ पर ले आना है जहाँ पर आपको जूम इन जूम आउट का इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पर आपको ले आने के बाद स्प्लिट एट प्ले हेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जितने सेकेंड का अपने वीडियो में जूम इन जूम आउट करना है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग हो गई है। अब आपको उसको टच करना है। टच करने के बाद आपके सामने ये वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बराबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको दो उंगलियों से इसको थोड़ा सा जूम कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये वीडियो कुछ इस तरीके से जूम हो रही है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपनी वीडियो को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और अगर अपनी वीडियो को धीरे धीरे जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से अपने वीडियो को टच करना है। और इसके बाद में फिर से मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो को फिर से अलग कर लिया हूँ और इसके बाद मैं उसको टच करूँगा। टच करने के बाद आपको फिर धीरे धीरे इसको जूम इन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वीडियो कुछ इस तरीके से जूम इन होगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट डाल सकते हैं और अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय बाय।